सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा अष्टमी एकादशः पाठः अहो विज्ञानेन उपकृताः वयम् अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। प्रथमः अभ्यासः एकपदेन उत्तरत। प्रश्नः क वेदेषु कीदृशं विज्ञानं विद्यते, अर्थात वेदों में किस प्रकार का ज्ञान है, विद्यमान है। तो उत्तर है बहुविधम, अर्थात बहुत प्रकार का, एक प्रकार का नहीं। मनुष्य को जितना आवश्यक है उस हर प्रकार का विज्ञान वेदों में विद्यमान है। ख प्राचीन काले विज्ञानस्य प्रयोगः किमर्थं भवति स्म, अर्थात प्राचीन काल में विज्ञान का प्रयोग किस लिए होता था। उत्तर है मानव कल्याणाय, अर्थात मनुष्य कल्याण के लिए। ग केन सूचना तंत्रे महती क्रांति उत्पन्ना, किससे सूचना तंत्र में बहुत क्रांति उत्पन्न हुई। तो उत्तर है दूरभाषेन, अर्थात फोन से। फोन से सूचना तंत्र में बहुत ज़्यादा क्रांति आई है, हमें देखने को भी मिलता है। अद्यत्वे सर्वेषु गृहेषु किं भवति, आजकल सभी घरों में क्या होता है। उत्तर है दूरदर्शनम। ग शीत ऋतौ कस्य प्रयोगेन बहुविध रोगाः जायन्ते, अर्थात सर्दियों में किसके प्रयोग से बहुत सारे रोग होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो उत्तर है शीतकस्य, अर्थात फ्रिज का। शीतकम शब्द का अर्थ होता है फ्रिज, तो इसका प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तो इसलिए इसका जितना कम हो सके उतना प्रयोग करें। सर्दियों में तो विशेषकर प्रयोग ना ही करें तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा। प्रश्न संख्या द्वितीय पूर्णवाक्येन उत्तरत। क मानवः अल्पपरिश्रमेण कथम अधिकं कार्यं कर्तुं समर्थः भवति, अर्थात मनुष्य थोड़ा सा परिश्रम के द्वारा कैसे अत्यधिक कार्य करने में समर्थ होता है। उत्तर है मानवः यंत्राणां प्रयोगं कृत्वा अल्पपरिश्रमेण अधिकं कार्यं कर्तुं समर्थः भवति, अर्थात मनुष्य यंत्रों का प्रयोग करके थोड़ा सा परिश्रम से ही अत्यधिक कार्य करने में समर्थ होता है। ख कदा दूरभाषेन मानवानां स्वास्थ्यं पतति, अर्थात कब मनुष्यों दूरभाष अर्थात फोन से मनुष्यों का स्वास्थ्य गिरता है या नष्ट होता है। उत्तर है यदा जनाः अहर्निशं दूरभाषे लग्नाः भवन्ति तदा तेषां स्वास्थ्यं पतति, अर्थात जब मनुष्य दिन रात फोन में लगे रहते हैं, फोन में कार्य करते रहते हैं, तो तब उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, खराब होता है। ग अस्माकं कृते कः गौरवस्य विषयः अस्ति, हमारे लिए गौरव का विषय क्या है, कौन सा है। अस्माकं कृते गौरवस्य विषयोस्ति यत् संगणकस्य कृते सर्वाधिका उपयुक्ता भाषा संस्कृतमेव अस्ति, अर्थात हमारे लिए गौरव की बात यह है कि कंप्यूटर का या कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त ठीक भाषा संस्कृत ही है। घ विज्ञानस्य उपयोगः कथं करणीयः, अर्थात विज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए। उत्तर है विज्ञानस्य उपयोगः विवेकाधारेण करणीयः, अर्थात हमें विज्ञान का जो प्रयोग विवेक अर्थात अपने बुद्धि से सोच समझकर करना चाहिए, अन्यथा विनाश ही होगा। प्राचीन काले संगणकस्य प्रयोगः कुत्र भवति स्म, अर्थात प्राचीन काल में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता था, कहाँ करते थे। प्राचीन काले संगणकस्य प्रयोगः केवलं गणनादिषु कार्येषु एव भवति स्म, अर्थात प्राचीन काल में कंप्यूटर का प्रयोग केवल संख्या आदि गिनने के काम में ही प्रयोग करते थे, परंतु आज हम देखते हैं तो सभी कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। प्रश्न संख्या तृतीय
स्थूल पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात हमें स्थूल पदों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है। क संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा उपयुक्ता भाषा अस्ति, अर्थात कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा ठीक भाषा है, प्रश्न निर्माण है। संगणकस्य कृते का उपयुक्ता भाषा अस्ति, अर्थात कंप्यूटर के लिए कौन सी ठीक भाषा है। ख अयम युग विज्ञान युग अस्ति, यह युग विज्ञान का युग है। उत्तर कह युग विज्ञान युग अस्ति, अर्थात कौन सा युग विज्ञान युग है। ग महाभारते आण्विकास्त्राणां प्रयोगस्य वर्णनं प्राप्यते, अर्थात महाभारत में आण्विक अस्त्र अर्थात एटम बॉम इत्यादियों का प्रयोगों का वर्णन प्राप्त होता है। तो उत्तर है कुत्र अथवा कस्मिन् आण्विकास्त्राणां प्रयोगस्य वर्णनं प्राप्यते, अर्थात कहाँ पर हमें आण्विक अस्त्रों का प्रयोग का वर्णन मिलता है। घ संपूर्ण विश्वस्य गतिविधिं वयं दूरदर्शने पश्यामः, अर्थात पूर्ण विश्व का अर्थात संपूर्ण विश्व का पूरी धरती का जो भी गतिविधियां क्रियाकलाप हम देख रहे हैं उसको दूरदर्शन में देख रहे हैं। तो प्रश्न निर्माण है कस्य गतिविधिं वयं दूरदर्शने पश्यामः, अर्थात हम किसके गतिविधियों का हम दूरदर्शन अर्थात टीवी में देख रहे हैं। गा शारदा संस्कृतम इति पुस्तकस्य निर्माणं संगणकेन अभवत, अर्थात शारदा संस्कृतम यह जो पुस्तक है इसका निर्माण कंप्यूटर के माध्यम से हुआ। तो उत्तर है शारदा संस्कृतम इति पुस्तकस्य निर्माणं केन अभवत, अर्थात शारदा संस्कृतम यह पुस्तक का निर्माण किसके द्वारा हुआ। प्रश्न संख्या चतुर्थः, अधो लिखित कथनानां समक्षे सत्यम असत्यम वा लिखत, अर्थात जो नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं उनको समझकर जो सही है उसके सामने सत्य और जो गलत है उसके सामने असत्य लिखना। तो प्रथम अयम युगः विज्ञान युगः अस्ति, यह युग विज्ञान का युग है, तो यह वाक्य सत्य है। दूरभाषस्य प्रयोगः ज्ञानवर्धनाय न करणीयः, अर्थात फ़ोन का प्रयोग हमें ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए, तो यह वाक्य गलत है क्योंकि हमें हर चीज़ से ज्ञान को संग्रह करना चाहिए, चाहे फ़ोन हो चाहे व्यक्ति हो चाहे बालक हो किसी से भी। अहर्निशं दूरदर्शनम पश्येत, कह रहे दिन रात दूरदर्शन को देखना चाहिए, तो यह गलत है क्योंकि दिन रात दूरदर्शन टीवी देखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हम अस्वस्थ होंगे। घ अंतर्जालस्य प्रयोगेन संसारस्य किमपि ज्ञानम अनुक्षणम प्राप्नुमः, अर्थात अंतर्जालस्य का मतलब इंटरनेट के द्वारा या इंटरनेट का प्रयोग से संसार का कुछ भी ज्ञान अनुक्षण तुरंत प्राप्त करते हैं, तो यह वाक्य सही है। इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे संबंधित नॉलेज हमें प्राप्त होता ही है। सम्यक गणनाम न करोति इति संगणकम, अर्थात ठीक से गणना नहीं करता है इसलिए वह संगणक है, तो यह गलत है क्योंकि वो ठीक से गणना करता है इसलिए उसका नाम संगणक है, तो इसलिए यह वाक्य गलत है इसलिए असत्यम। प्रश्न संख्या पंच पाठात चित्वा विलोम पदानि लिखत, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं उनके विलोम पद हमने पाठ से चुनकर लिखना है। तो प्रथम शीतकाले, तो इसका अर्थ है शरद ऋतु में सर्दियों के समय में, तो उत्तर है ग्रीष्म काले। युष्मान तुम सबको, और विपरीत हुआ अस्मान हम सबको। अपकरोति अर्थात अपकार करता है, और विपरीत अर्थ है उपकरोति उपकार करता है। उष्णम अर्थात उष्ण गरम, विपरीत शीतम। दिवसे
दिन में रात्रौ निशायाम, रात्रि में या अधिक परिश्रमेन, अत्यधिक परिश्रम से, अल्प परिश्रमेन, कम परिश्रम से या मेहनत से। प्रश्न संख्या षट, विशेषणैः विशेष्यानि मेलयत, अर्थात विशेषणों के साथ विशेष्य पद को मिलाना है। विशेषणानि एक पंक्ति में है और विशेष्यानि एक पंक्ति में है, तो बहुविधं विज्ञानं, नूतनाः आविष्काराः, बहूनि यंत्राणि, अधिकं कार्यं, महती क्रांतिः, सर्वेषु गृहेषु। तो ये शब्द हैं। तो बहुविधं विज्ञानं माने बहुत प्रकार का विज्ञान, नूतनाः आविष्काराः माने नए नए आविष्कार एक्सपेरिमेंट, बहूनि यंत्राणि बहुत सारे यंत्र, अधिकं कार्यं माने अत्यधिक काम, महती क्रांतिः बहुत ज़्यादा क्रांति, सर्वेषु गृहेषु सभी घरों में। तो ये है प्रश्न 6, और बहुत बहुत धन्यवाद।